वेलकम बैक टू अ चैनल का मिसकंसेप्ट बिल्डिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं क्लास नहीं ले पाई, फिर से काफ़ी काम था। मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट वीक भी मैं क्लास नहीं ले पाई थी, और अभी होली से पहले एक दो दिन जो मुझे मिल रहे थे उनमें भी मैं क्लास नहीं ले पाई। लेकिन अब होली के बाद बिल्कुल टाइम मिल चुका है। अब मुझे अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर क्लासेस लूँ। ठीक है, देखिए क्लासेस के टाइमिंग वही रहेंगे। ये वाली क्लास आपको हर रोज़ रात को 8 बजे चैनल पे मिल जाएगी, और जो हमारी दूसरी क्लासेस है 11th कॉमर्स क्लास जो मैंने अभी चैनल क्रिएट किया है, उसकी क्लासेस रात को 9 बजे आती हैं। ठीक है ना? अब मैंने आपको बताया था, जैसे तो अब नया सेशन भी स्टार्ट होने वाला है 10th के बोर्ड्स, मतलब अब तो ख़त्म भी हो गए, अब नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है या किसी को ऐसी ज़रूरत है कि वो ये सोच रहा है कि वो 11th क्लास में आ रहा है और उसको कॉमर्स में प्रॉब्लम आएगी या उसको डर लग रहा है, तो मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है जिसमें मैं 11th के बच्चों को यहाँ पढ़ाऊँगी। मतलब अब तो मैं उनको पढ़ा ही रही हूँ, मैं उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप वाली चैनल भी अपने किसी छोटे भाई बहन के साथ या कोई फ्रेंड है आपका उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने सैटरडे को क्लास ली थी शायद। हाँ, मुझे ध्यान ही नहीं है मैंने लास्ट वीक कौन से डे को क्लास ली थी। तो मैंने उसमें आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। ठीक है, हमने उस दिन टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह के टाइप होते हैं, एक होते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो, लार्ज स्केल रिटेलर्स, और एक होता है स्मॉल स्केल रिटेलर्स। ठीक है ना? तो मैंने उस दिन आपको स्मॉल स्केल रिटेलर्स क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था, और मैंने इसको इसके टाइप्स इसके अंदर जो टाइप्स आते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स के अंदर, वो सिर्फ मैंने आपको लिखवाए थे, एक चार्ट बनवाया था शायद। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया बोला था कि आने वाली क्लासेस में मैं इसके इस वाली स्मॉल स्केल रिटेलर्स के टाइप्स आपको समझाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं क्लास नहीं ले पाई थी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल स्केल रिटेलर्स के टाइप पढ़ना। ठीक है, तो फिर फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए क्लास भी नहीं मैंने ली है, और फिर काफ़ी हम पीछे चलते हैं। देखिए स्मॉल स्केल रिटेलर्स टाइप्स, ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। पहला जो इसमें टाइप आता है वो है आपका यूनिट स्टोर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली यहाँ पे दिख रही हूँ जो भी मैं लिख रही हूँ। ठीक है, यूनिट स्टोर, देखिए यूनिट स्टोर एक बेसिकली आप बोल सकते हैं एक ऐसा रिटेल आउटलेट होता है या एक ऐसी दुकान होती है। ये फॉर एग्जांपल एक ऐसी दुकान है जिसमें जो ये रिटेलर है जो सामान बेच रहा है इस दुकान के अंदर, वो सिर्फ एक ही तरह का सामान बेच रहा है। मीन्स कहने का मतलब यही है कि ये एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन में डील करता है। अब प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट आइटम क्या होता है, ये मैंने आपको पहले जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था प्रोडक्ट, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कपड़ों का रिटेलर है तो ये कपड़े ही बेचेगा सिर्फ, ये खाने पीने की चीज़ें नहीं बेचेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपका शूज़ का रिटेलर है तो ये जूते ही बेचेगा, ये कपड़े नहीं बेचेगा। कहने का मतलब यही है कि अगर आप कपड़ों के रिटेलर हो तो आप कपड़े ही बेचोगे, चाहे आप उसमें कितने भी तरीके के कपड़े बेच सकते हैं, चाहे आप लेडीज के बेचे, चाहे आप मेल के बेचे, चाहे आप बच्चों के बेचे, चाहे आप किसी भी फैब्रिक के कपड़े बेचे। अगर आप कपड़ों का काम कर रहे हो तो आप कपड़ों का ही काम करोगे यूनिट स्टोर में, आप खाने पीने का या जूतों चप्पलों का काम नहीं करोगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन में ही डील करते हो। अगर आप जूते बना रहे हो तो आप जूते ही बना रहे हो, अगर आप यहाँ पे बर्तन वगैरह बेच रहे हो तो आप बर्तन ही बेच रहे हो। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से, यूनिट स्टोर डील्स इन सिंगल प्रोडक्ट लाइन सच एज ड्रग्स
क्लोथ्स, ग्रॉसरी आइटम्स, हार्डवेयर, शूज, बुक, यूटेंसिल्स। अगर आपकी किताबों की दुकान है या स्टेशनरी की दुकान है तो आप उसमें स्टेशनरी का सामान बेचोगे, कोई आप कपड़े नहीं बेचोगे, ठीक है ना। सिंगल लाइन स्टोर्स आर मोस्टली कॉल्ड एज स्पेशलिटी शॉप्स। जो ये स्टोर्स होते हैं इनको कहीं जाने, ध्यान से देखिएगा, किसी किसी बुक में आपको यूनिट स्टोर का दूसरा नाम भी देखने को मिलेगा, जो कि होता है सिंगल लाइन स्टोर। सिंगल लाइन स्टोर, इसको सिंगल लाइन स्टोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सिंगल प्रोडक्ट लाइन में ही डील करता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट लाइन यही है कि अगर आप कपड़े बना रहे हो तो आप इसी प्रोडक्ट लाइन में डील करोगे, आप जूते नहीं बनाने लग जाओगे, ठीक है। सिंगल लाइन स्टोर्स आर मोस्टली कॉल्ड एज स्पेशलिटी शॉप्स, और इनको हम स्पेशलिटी शॉप्स भी कहते हैं। अब बताइए स्पेशलिटी शॉप्स हम क्यों बोलेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही काम में, मतलब एक ही सामान को बेच रहे हैं, हम कपड़ों को ही बेच रहे हैं। मीन्स हमारी जो स्किल्स है वो कपड़ों को बेचने की है, हम जूता चप्पल या कोई टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि हमें इसी की समझ है, हम इसी के स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है ना। सिंगल स्टोर्स आर मोस्टली कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड शॉप्स एज दे मे स्पेशलाइज इन वन लाइन ओनली, क्योंकि मैं कपड़े ही बेचती हूँ, मुझे इसकी नॉलेज है, तो मैं इसमें ही स्पेशलाइज हूँ, ठीक है। मुझे ना तो जूतों चप्पल की नॉलेज है, ना मुझे बर्तन वगैरह की नॉलेज है, ठीक है। मैं कपड़े बेचती हूँ, कोई मुझे पूछेगा ये कि कपड़े की क्वालिटी बताओ, तो मैं रिटेलर हूँ, मेरा कपड़ों का काम है, तो मैं कपड़े की क्वालिटी छू के बता दूंगी, ठीक है। अगर मैं जूते नहीं बेच रही और मैं जूते को छू लूँ तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसको यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है स्पेशलिटी शॉप्स, क्योंकि हम एक ही प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं और इसमें हमारी बहुत ज़्यादा एक तरह से स्पेशलाइज नॉलेज बन जाती है, काम करते करते भी बन जाती है। वरना अगर आपको शौक है कि आप कपड़ों का, आपको ज़्यादा शौक है, आपको कपड़ों की नॉलेज काफ़ी है, तो आपने सोचा क्यों ना मैं अपना एक दुकान खोल लूँ कपड़ों की, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले से नॉलेज है फिर आप दुकान खोल रहे हैं, या आपको दुकान जब आपने खोल ली उसके बाद आपको नॉलेज मिल रही है, आपको सारी चीजों का पता चल रहा है, ठीक है। ये होता है आपका यूनिट स्टोर, जिसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन स्टोर्स प्लस स्पेशलिटी शॉप्स। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। दूसरा टाइप अब हम पढ़ेंगे स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स, इसमें टोटल आई थिंक स्मॉल स्केल टाइप्स के टोटल 8 टाइप्स हैं। दो दो करके मैं हर रोज आपको पढ़ाऊंगी, मैं नहीं चाहती क्लास लेंदी हो, फिर क्यों क्या फिर कमेंट करते हैं कि मैम क्लास लेंदी हो गई। स्ट्रीट ट्रेडर्स, देखिए स्ट्रीट ट्रेडर्स बेसिकली क्या होते हैं, वो ये ट्रेडर्स, ये जो रिटेलर्स होते हैं, ये ज़्यादातर आपको, जैसे आप बस स्टैंड पे गए वहाँ पे आपको ये लोग बैठे हुए मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो कपड़े वाले हो गए, चाहे वो खिलौने बेच रहे हैं, चाहे वो बुक बेच रहे हैं, छोटी छोटी जो किताबें होती हैं वो बेच रहे हैं। याद है जब हम बचपन में जब हम कभी जाते थे रेलवे स्टेशन वगैरह पे, जब ट्रेन सब कहीं जाते थे, तो आपको याद है वो छोटी छोटी एक बुक की स्टॉल लगे रहते हैं रेलवे स्टेशन के पास, कोई किताबें ले लेके बैठा रहता है। जब हम चाचा चौधरी, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी हमें वो किताबें मिलती थी, हम काफी पढ़ते थे उन्हें जब हम ट्रेन में जाते थे। तो ये ट्रेडर्स वही हैं जो आपको रेलवे स्टेशन के आसपास मिल जाएंगे, आपको बस स्टैंड के आसपास मिल जाएंगे, या आपको किसी स्ट्रीट पे जो जो मतलब जो सड़कें होती हैं उनके साइड में आपको ये बैठे हुए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रीट ट्रेडर्स, इनको इसलिए बोला जाता है स्ट्रीट, मतलब जो स्ट्रीट है उनके आसपास आपको ये मिलते हैं देखने को। स्ट्रीट ट्रेडर्स आर रिटेलर्स हु डिस्प्ले देयर स्टॉक ऑन फुटपाथ। आप फुटपाथ, मैं वर्ड भूल रही थी, फुटपाथ पे आपको ये मिल जाते हैं, और साइड वे ऑफ बस स्टॉप, सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, ये आपको फुटपाथ पे ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, बस स्टैंड पे देखने के लिए मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं इन्हें बैठे हुए, ठीक है।
और ये छोटे छोटे मतलब ज्यादा महंगे सामान नहीं बेचते, ये जो रिटेलर्स होते हैं ये ज्यादा महंगे सामान नहीं बेचते, ये छोटे छोटे हल्की लो क्वालिटी के सामान बेचते हैं जिनका लो प्राइस भी होता है। लो क्वालिटी का सामान बेचते हैं, लो प्राइस जिनका होता है, जैसे कि हो गए टॉयज, खिलौने। आपको ध्यान है, आप अपने किसी भी मतलब अंदर बाजार में निकल जाएंगे, वहां की जो सड़कों की मतलब जो फुटपाथ बने हुए होते हैं वहां पे आप देखते होंगे एक कपड़े वाले बैठे रहते हैं, वो ढेर लगा के सॉफ्ट टॉयज वाले बैठे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग लो क्वालिटी का तो सामान बेचते हैं प्लस लो प्राइस का सामान बेचते हैं, ठीक है ना। जब भी आप किसी के कपड़े वगैरह देखोगे तो आपको क्वालिटी से पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो ट्राइज हो गए, या कभी कभी ये लोग प्लास्टिक का सामान भी बेचते हैं, प्लास्टिक के गुड्स भी बेचते हैं, जैसे हो गया आपको कुछ चाहिए, आपको कोई टब चाहिए है और कोई बाल्टी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई आपको किचन का सामान चाहिए, इन लोगों के पास आपको हर वैरायटी का सामान मिल जाएगा और चीप प्राइस पे मिलेगा, ठीक है ना। सुनिए, स्ट्रीट ट्रेडर्स आर रिटेलर्स हु डिस्प्ले देयर स्टॉक ऑन फुटपाथ, बस स्टॉप, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती है। द प्रोमिनेंट प्लेसेस, ज्यादातर इनके जो मेन जगह ही होती है वो होती है आपकी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, गार्डन, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी जगह होती हैं। दे डील इन लो क्वालिटी प्लस लो प्राइस गुड्स, ठीक है ना, सच एज प्लास्टिक गुड्स हो गए, हॉजरी के प्रोडक्ट्स हो गए, किचन का मतलब आपके किचन का सामान हो गया, आपको बहुत मिल जाता है यहाँ पे। कपड़े भी ये लोग बेचते हैं, लो क्वालिटी के कपड़े भी बेचते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत तरह के यहाँ पे आपको वैरायटीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यूनिट स्टोर और स्ट्रीट ट्रेडर्स क्या होते हैं आपको आज की क्लास में क्लियर हो गया हो। कल को मैं आपको दो और करवाऊंगी, मतलब दो दो हर रोज मैं आपको करवाऊंगी टाइप्स। कल को हम पढ़ेंगे मार्केट ट्रेडर्स एंड हॉकर्स एंड पैडलर्स, ठीक है ना, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक लिए बाय।